हाय गाइस, बिजनेस टुडे हिंदी के टेक्नोलॉजी शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी और आज हम लोग एक बहुत लॉजिकल बात करने वाले हैं। बात ये है गाइस कि अगर आप किसी डिवाइस को इन्वेस्ट करते हो, किसी लैपटॉप इन्वेस्ट करते हो और लैपटॉप आपको 2-in-1 फायदे दे, यानी ये लैपटॉप टैबलेट भी बन सकता है, जैसे आप बैठ के किसी कैफे में ड्राइंग और अपनी पर्सनल एक्टिविटीज कर सकते हो, और उसी लैपटॉप को आप ऑफिस ला के बैठ के अपनी ऑफिस की फाइल्स भी तैयार कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे HP के कुछ ऐसे ही 2-in-1 लैपटॉप की जिसका नाम है X360। HP ने इस लैपटॉप को अपने प्रीमियम लैपटॉप्स की कैटेगरी में रखा है, इसे फ्लैगशिप बनाने की कोशिश की है। और अगर हम फ्लैगशिप लैपटॉप्स की बात करें तो इस कैटेगरी में सबसे आगे आता है MacBook Air। MacBook Air से कंपेयर करने के लिए HP ने इसके डिज़ाइन पे भी काफ़ी काम किया, फीचर्स पे भी काम किया है और इसके कैमरा पे भी काम किया है। तो आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन पे। इस लैपटॉप की कीमत तकरीबन 1,30,000 रुपये है मार्केट में, और उस 1,30,000 की वैल्यू के हिसाब से इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप किनारे देखो तो MacBook से कंपेयर करने की कोशिश की गई है। मैं जनरली HP का Elite Book अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, उसके लोगों को और इसके लोगों को देखिए तो काफ़ी डिफरेंस है। इसके लोगों को काफ़ी यूनिक प्रीमियम डिज़ाइन दिया गया है। अगर वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है। कलर जो मेरे पास है डार्क ब्लू, ये काफ़ी प्रीमियम दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा। दोस्तों, हम इस लैपटॉप के फीचर्स में नज़र डालते हैं। अगर हम फीचर की बात करें तो सबसे पहले लैपटॉप को ओपन करने के लिए हमें जनरली जो पिन की ज़रूरत पड़ती हो तो पड़ती है, साथ में इसमें फेस रिकॉग्निशन फीचर भी दिया गया है, उसके साथ बायोमेट्रिक सेंसर भी है। अगर आप चाहो तो अपने फिंगरप्रिंट से भी लैपटॉप को लॉगिन कर सकते हो। ये 13.5 इंच का डिस्प्ले है जो OLED है। इसके साथ ही आपको टच स्क्रीन का भी फीचर दिया गया है, साथ में एक स्मार्ट पेन भी मिलती है जिससे आप चाहो तो आप इसको एज अ टैबलेट पोर्ट्रेट कर सकते हो, इस पर डिज़ाइन कर सकते हो, और इस स्मार्ट पेन को चाहो तो आप लैपटॉप के साइड में इजीली फिक्स कर सकते हो। मैग्नेट है, चिपक जाता है बहुत इजीली, एंड उसके बाद इसको आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो। गाइस, मैकबुक ने जब से अपने कैमरा फीचर्स को अपडेट किया है, कॉन्टिन्यूटी कैमरा की बात करो या सेंटर स्टेज की, उसके बाद से लैपटॉप कंपनीज में होड़ लग गई है उसको बीट करने की। हालांकि वो फीचर्स अभी तक अनबीटेबल हैं, बहुत यूनिक फीचर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन HP ने इस लैपटॉप X360 में भी काफ़ी हद तक कैमरा फीचर्स ऐसे दिए हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। पहली चीज़ तो इसका कैमरा HD है, फुल HD है, 1080 दिया है, जो बहुत ही क्वालिटी इमेज आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा AI फेस ट्रैकिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट कैमरे का फीचर मुझे लगा है प्राइवेसी कंसर्न को लेकर, जो मैंने अभी तक सेफ्टी के मामले में लैपटॉप में पहली बार देखा है। अगर आप किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, या फिर गलती से आपका कैमरा ऑन रह गया है, लैपटॉप के कीबोर्ड पे एक की है, आप इस की को जैसे ही दबाते हो तो आपके कैमरे के आगे एक शटर लग जाता है, तो कैमरा आपका कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। अगर कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये शटर आपको पूरी सेफ्टी देता है आपकी प्राइवेसी को बरकरार रखने की। ये फीचर मुझे इस कैमरे का प्राइवेसी को लेके यूनिक लगा है, जो मैंने अभी तक इस रेंज में किसी और लैपटॉप में नहीं देखा है। तो अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं, किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, और अगर आपको सेफ्टी को लेके कोई भी कंसर्न है, आप इस बटन को दबा सकते हैं। इस बटन को दबाते ही सामने एक शटर लगेगा, शटर लगते ही कैमरा ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है आपकी वॉइस चली जाए, लेकिन कैमरा आपकी फुटेज को दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। जो मुझे इस लैपटॉप का दूसरा सबसे अच्छा फीचर लगा है वो है HP की इनहेंस लाइटिंग। अगर आप किसी से वीडियो चैट कर रहे हैं, खासकर क्रिएटर्स के लिए जिनको रिंग लाइट की बहुत जरूरत होती है, इसमें इनबिल्ट रिंग लाइट दे रखी है HP ने। इस रिंग लाइट में आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड, ब्लू, येलो, अपनी हिसाब से कलर को मोल्ड कर सकते हो। उसके अलावा इस रिंग लाइट की शेप भी आप चेंज कर सकते हैं, तो क्रिएटर्स के लिए काफी फायदेमंद फीचर होने वाला है। तो अगेन, ये लैपटॉप 2-in-1 नहीं, 3-in-1 मुझे लगा, क्योंकि ये लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, और ये रिंग लाइट का भी काम कर रहा है। तो ये एक फीचर काफी अट्रैक्टिव मुझे लगा। आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो लाइट की, कम कर सकते हो, कलर बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, और आप रिंग लाइट के शेप को भी चेंज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल वेराइटीज की रिंग लाइट है, स्क्वायर मिलेगी, रेक्टेंगल मिलेगी और सर्कल मिलेगी। तो कैमरे को लेके, रिंग लाइट को लेके ये दोनों फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो इस कैटेगरी में मैंने अभी तक पहली बार अपने सारे रिव्यूज में देखे हैं। तो इसके लिए मैं इनको फुल मार्क्स दूंगा। अब बात आती है इसके फीचर्स की, तो चलिए लैपटॉप के फीचर्स पे एक बार टेक्निकली नजर डालते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है प्रोसेसर की। इसमें 12 जेन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है, जो 8, 16 और 32 GB रैम ऑप्शन में अवेलेबल है, 512 GB 1 TB और 2 TB SSD, और साथ में टच स्क्रीन डिस्प्ले भी है। डिस्प्ले की बात करें तो ये 13.5 इंच डिस्प्ले है। जैसा कि बताया, ये टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो अगर आप मैजिक पेन यूज कर रहे हैं
तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू भी ये पेन चार्ज होता है, साथ में आपको चार्जर भी दिया गया है। आप चाहो तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को ना यूज करके नॉर्मल चार्जर के थ्रू भी इस पेन को चार्ज कर सकते हो। गाइस अब फीचर्स की बात हो गई, डिस्प्ले की बात हो गई, कैमरे की बात हो गई, डिजाइन की बात हो गई, कंपैरिजन हो गया, लेकिन अब बात आती है मुद्दे की, क्या ये लैपटॉप लिया जाए या ना लिया जाए। लैपटॉप की कीमत मार्केट में 1,30,000 है, तो मार्केट में आपके लिए और भी ऑप्शन है, लेकिन एचपी ने इसमें जो कुछ नए ऑप्शन प्राइवेसी को लेके, रिंग लाइट को लेके, कैमरा को लेके इंट्रोड्यूस किए, वो मेरे हिसाब से मैंने और किसी लैपटॉप में नहीं देखे, तो वो उसके लिए मैं उनको फुल मार्क्स दूंगा। अगर आप एचपी को लेके ब्रांड कॉन्शियस हो, ऑफिस में भी एचपी के सारे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, सिस्टम यूज कर रहे हो और एचपी के ही इकोसिस्टम में रहना चाहते हो, कि आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि फ्लैगशिप है, डिजाइन अच्छा है और मेरे हिसाब से 1,30,000 में अगर आप कोई प्रीमियम लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो लैपटॉप बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा रिव्यू पड़ताल एचपी X360 के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज बिजनेस टुडे हिंदी के हैंडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसे इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।